गुड गाइस। आवाज आने दो यार। फाइन, तो कल हमने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रखे थे एंड होपफुली आप लोगों ने वो क्वेश्चंस कर लिए होंगे। तो पहले प्रॉब्लम्स ले लेते हैं, उसके बाद के क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। तो चलिए शूट योर प्रॉब्लम्स। 12th, 16, 12 हो गया, 12 के बाद नेक्स्ट 16, एनीथिंग एल्स? बस जस्ट टू प्रॉब्लम्स, 12th एंड 16। फाइन, वेरी गुड। सो क्या बात कर रहे हो, निकालो उसको, काम आएगी। यस, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, अंकित भानु एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली विद कैपिटल ऑफ 2,50,000 ईच ऑन 1st अक्टूबर 2020। अंकित एंड भानु गेव लोन ऑफ 2,50,000 ईच। चारू टुक अ लोन ऑफ 1 लाख रुपी फ्रॉम द फर्म ऑन द सेम डेट। ठीक है, इट वॉज एग्रीड अमंग्स द पार्टनर दैट द चारू विल बी चार्ज्ड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर वॉज पेड ऑन 10th अप्रैल। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स वॉज पेड ऑन 10th अप्रैल 2021। द फर्म क्लोजेज इट बुक्स ऑन 31st मार्च ईच ईयर। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021। ओके, जर्नल एंट्री का इशू है, बाकी पीएनएल अप्रोप्रिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपने बना लिया होगा। ठीक है, जर्नल एंट्रीज पे आते हैं। देखिए यहां पे सिचुएशंस क्या क्या बन रही है। हमारे पास यहां पे लोन के इंटरेस्ट रिगार्डिंग एंट्रीज है। हमारे पास दो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, एक पार्टनर को फर्म ने लोन दिया है। सारे लोन उन्होंने 1st अक्टूबर को डिसबर्स किए हैं। जिस फर्म ने जिस पार्टनर को लोन दिया है उसको वो 10% कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 6% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और फर्म ने जिन पार्टनर से लोन लिया उन साइड है हमें 6% इंटरेस्ट पे करना है। और लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, यहां एक प्रॉब्लम क्या है, इट वॉज एग्रीड अमंग्स द पार्टनर चार्ज इन 6%। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स वॉज पेड ऑन 10th अप्रैल एंड दैट इज द पॉइंट। जस्ट टू अंडरस्टैंड कि 10th अप्रैल को हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं एंड हमारा ईयर एंड हो रहा है 31st मार्च को। चलो बचपन में क्या सिचुएशन थी, 11th क्या आए हम, ये बिल्कुल सिचुएशन 11th के सिलेबस से रिलेटेड सिचुएशन। हम करते हैं अक्रूअल बेसिस पे, तो यहां पे अक्रूअल बेसिस वाला बात हो रहा है। इधर इंटरेस्ट इज पेड ऑन 10th अप्रैल बट इंटरेस्ट अक्रू ऑन 31st मार्च। तो 31st मार्च को इंटरेस्ट पे करना है फर्म के लिए, 31st मार्च को इंटरेस्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होना चाहिए। तो कौन सा एक्सपेंस हो गया ये, टू बी पेड ऑन 31st मार्च बट फर्म पेड ऑन 10th अप्रैल। वी विल क्लोज आर बुक्स ऑन 31st मार्च। तो ऑन 31st मार्च इंटरेस्ट ऑन लोन वॉज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये 11th का ही काम था, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। इंटरेस्ट पे करना था, पे नहीं किया, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, तो हम इसे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बोलेंगे। अभी लोन के केस में थोड़ा सा एक ट्विस्ट होता है। आपने लोन ले रखा है और आपको लोन पे इंटरेस्ट पे करना है और आप इंटरेस्ट पे नहीं करते हो, नेक्स्ट पीरियड के लिए क्या होता है, अमाउंट ऑफ लोन इंटरेस्ट अमाउंट से इंक्रीज कर दिया जाता है और फिर उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चार्ज करती है बैंक। लाइक आपका 1 लाख का लोन है, अब 1 लाख का मेरा लोन है टोटल, और 1 लाख के लोन पे सपोज मुझे 20,000 का इंटरेस्ट पे करना था और वो मैंने पे नहीं किया, तो नेक्स्ट पीरियड के लिए माई लोन अमाउंट विल बी 1 लाख 20,000 एंड माई इंटरेस्ट कैलकुलेशन विल बी ऑन दिस अमाउंट अंटिल अनलेस आई विल पे द इंटरेस्ट। तो अब यहां लोन जो भी ओरिजिनल अमाउंट लोन का था वो फाइन, लेकिन यदि आप उसे लोन पे इंटरेस्ट टाइमली पे नहीं करेंगे तो ईयर एंड पे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बी एडेड इन द अमाउंट ऑफ लोन, वो लोन के अमाउंट में जाके ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है,
तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पे ध्यान रखने का है। आप दोनों तरह से कर सकते हो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से भी उसका एंट्री कर सकते हो, बट लोन के केस में जनरली हम आउटस्टैंडिंग पार्ट ऑफ इंटरेस्ट को लोन में ऐड कर देते हैं और लोन अमाउंट को एक्सटेंड कर देते हैं, क्योंकि एक लोन का अकाउंट चलता है बैंक में। लोन के बारे में मालूम है आइडिया? बैंक में लोन का अमाउंट जैसे चलता है, अकाउंट जैसे चलता है, वो एक अकाउंट की तरह चलता है, करंट अकाउंट की तरह चलता है। आप पे ईयर एंड हुआ, वो इंटरेस्ट आपके लोन अकाउंट में ऐड कर देंगे, फिर आप जैसे ही इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे वो वापस माइनस कर दिया जाएगा, फिर रिमेनिंग बैलेंस पे दे विल चार्ज इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट ऐड होता हुआ चलता है और फिर उसमें से इंस्टॉलमेंट के पेमेंट के बाद वापस बैलेंस को रिड्यूस किया जाता है। तो एग्जैक्टली वही फॉर्मेट हम यहां यूज करेंगे। आ जाते हैं जर्नल एंट्रीज पे। फर्स्ट एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू ईदर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और लोन अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू बट नॉट पेड। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। अब लोन पे यहां पे दो अलग अलग लोन है, तो लोन अकाउंट में भी हम दो अलग अलग लेंगे, लोन ऑफ अंकित एंड टू लोन ऑफ भानु। इंटरेस्ट ऑन लोन इज एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म, डेबिट हो जाएगा, और ये लोन का इंटरेस्ट आप पे नहीं कर रहे हैं तो इट इज योर लाइबिलिटी टू पे, तो लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं हम। ये लाइबिलिटी उनके लोन अकाउंट में ही क्रेडिट कर दिया। दो तीन चॉइस हो गए। फर्स्ट, यदि आप पे कर रहे हो तो टू बैंक, यदि आप पे नहीं कर रहे हो आप उनके कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हो तो टू देयर कैपिटल अकाउंट, यदि आप उनको इंटरेस्ट पे ही नहीं कर रहे हो तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या फिर लोन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो क्या ऑप्शन क्वेश्चन में दिया है अकॉर्डिंगली हमें देखना है। हम पे नहीं कर रहे हैं तो हमने लोन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, कैलकुलेट कर लीजिए कितना इंटरेस्ट बनता है, 2,50,000 रुपीज और 6 मंथ का इंटरेस्ट बनता है। फर्स्ट अक्टूबर को लोन लिया है, 7,500 ऑफ अंकित, 7,500 ऑफ भानु, टोटल अमाउंट विल बी 15,000। आप आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्रेडिट कर दो, बट एक्चुअली आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट यदि आप क्रेडिट करते हो तो लोन अमाउंट एंड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अमाउंट दो सेपरेट अकाउंट में चला जाता है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को क्रेडिट करने का मतलब क्या हुआ, आपने एक नया अकाउंट ओपन किया है विद द नेम ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, जिसे आप बैलेंस शीट में दिखाएंगे। अब आपके बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में दो अकाउंट हो गए, वन इज लोन अकाउंट, अदर इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अमाउंट। नाउ सपोज आप पूरे साल ही उस इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करते हो तो क्या होगा, नेक्स्ट ईयर जब आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे, तो आपको इंटरेस्ट पे करना है, लोन प्लस इंटरेस्ट दोनों पे करना है ना, लेकिन आपका लोन अमाउंट सेपरेटली सिर्फ 250 ही दिख रहा होगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट उसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। तो यदि आप सिर्फ दो चार दिन में ही पे करने वाले हो तो हम उसको आउटस्टैंडिंग में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां मैंने आपको बोला ना हमारे पास दोनों चॉइसेस हैं, मैं इसे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से एंट्री डेफिनेटली कर सकता हूं, टिंग कॉन्सेप्ट भी वॉयलेट नहीं होता, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोथ आर करेक्ट, बिल्कुल बिना नरेशन मार्क्स कटेगा। आप मान के चलिए आपका 20% ऑफ मार्क्स फॉर्मेटिंग और नरेशन का होता है, फॉर्मेट भी, यस इट इज दैट मच नेसेसरी, फॉर्मेट, वर्किंग नोट, नरेशन, ये तीनों 100% नेसेसरी है। तो डे वन से हैबिट यही डाल के चलिएगा कि आप वो जो ये सॉर्ट ऑफ ऐसा कुछ करके जनरल एंट्री बनाते हो ना, ये ना बनाए। आप जनरल एंट्री बना रहे हो तो जनरल का फॉर्मेट डाल दें, आएगा, लेकिन आप बना लो ना हैबिट। टाइम क्या लगता है, लिखना नहीं आती है किसी को भी, नहीं आती है, आती है ना सबको, नरेशन लिखने में पता है क्या होता है, किया हमने ये
जनरल एंट्री में क्या किया हमने, किस चीज का जनरल एंट्री बनाया? इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू का, लिख दो बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू, दैट इज नरेशन। लैंग्वेज मैटर नहीं करेगा, डिटेल मैटर नहीं करेगा, नरेशन दिखना चाहिए। यहां नरेशन लिखा है, नो वन गोइंग टू रीड योर नरेशन, नहीं, किसी के पास टाइम नहीं है वो नरेशन पढ़ने वाले, लेकिन नरेशन में करना करेक्ट है। नरेशन होता क्या है? समथिंग नरेटिंग रिटन एंट्री फॉर्म, जो एंट्री फॉर्म में लिखा है लैंग्वेज फॉर्म में आप रहे हो, क्योंकि एंट्री फॉर्म आप समझते हो बिकॉज यू आर अकाउंट्स पर्सन, लेकिन जो अकाउंट्स पर्सन नहीं है वो उस एंट्री को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, तो वो नरेशन से समझ पाएगा कि एंट्री किस चीज का बना है। दैट इज ठीक है, जो भी फॉर्मेट वो आजकल सीबीएसई ने कर दिया ना, इस बार से आपको प्रिंटेड कॉपीज मिलेगा, नोटबुक्स मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में, जिसमें फॉर्मेट जर्नल एंट्री और लेजर का फॉर्मेट बना आपको। हाँ हाँ, लेकिन ये बहुत बेकार है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में एंट्री करना है, सेकंड में लेजर बनाना है। फॉर्मेट कैसे आएगा? आपका पूरा नोटबुक में स्टार्ट का कुछ पेजेस ब्लैंक होगा जिसपे आपको थ्योरी लिखना है, देन कुछ पेजेस आपके जर्नल एंट्री के फॉर्मेट के होंगे और कुछ पेजेस आपके लेजर फॉर्मेट के होंगे। अभी आप सोचो, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में जर्नल एंट्री करना है, पीछे जाओ जर्नल एंट्री करो, सेकंड क्वेश्चन में लेजर करना है तो पांच पेज छोड़ के सेकंड क्वेश्चन का लेजर बनाओ, और थर्ड क्वेश्चन में थ्योरी लिखना है तो फर्स्ट पेज पे आके थ्योरी लिखो। अब मुझे एक ही क्वेश्चन में जर्नल एंट्री और लेजर दोनों बनाना है, कैसे बनाऊंगा? क्योंकि सेवन पेजेस जर्नल एंट्री के हैं, सेवन पेजेस लेजर के हैं, तो फर्स्ट लेजर जर्नल के पेज पे जर्नल बनाऊं और फर्स्ट लेजर के पेज पे उसका लेजर बनाऊंगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली क्या क्या है और कैसे होगा, तो एग्जाम एक बार होंगे तब पता चलेगा। नहीं, अभी अभी कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, एग्जाम तो होने दो, अभी तो कुछ महान सॉर्ट ऑफ नाम नहीं ले सकता, वीडियो में हूं इसलिए कुछ ऐसे महानुभाव हैं जो एग्जाम के ऊपर ही बादल मंडरा रहे हैं। आज किसी ने एक वीडियो डाला है जिसमें बोला है कि सीबीएसई को अपने एग्जाम्स पे सोचना चाहिए और कैंसिल कर देना चाहिए। नाम नहीं ले सकता मैं यार, आप बोल सकते हो, मेरा रिकॉर्ड हो जाएगा। पॉलिटिकल इश्यूज क्रिएट नहीं करना चाहता, ये YouTube अभी डाल देगा इसके अंदर, वीडियो को रिव्यू करने जाएगा तो YouTube अभी डाल देगा और मेरा वीडियो बैन कर देगा, मतलब नहीं है ना। अभी राजस्थान में RBSC के एग्जाम्स के लिए मना कर दिया गया, क्लियरली बोल दिया गया कि देर इज नो चांस ऑफ, देर इज नो क्वेश्चन ऑफ कैंसिलिंग द एग्जाम्स, सिर्फ प्रैक्टिकल कैंसिल किए गए हैं। लेकिन हमारे कुछ CBSE से रिलेटेड कुछ महानुभाव हैं जिनके स्टेटमेंट्स आ जाते हैं तो डर लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू गिवन बाय पार्टनर, उसको गया, अभी हमने लोन का लोन दिया है चारू को, तो चारू से हम इंटरेस्ट लेंगे, दैट इंटरेस्ट इज आर, दैट इंटरेस्ट इज आर इनकम, और किससे चार्ज करोगे? चारू ने अभी तक इंटरेस्ट दिया क्या? नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे? वी विल डिडक्ट दैट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम चारूज कैपिटल। पार्टनर के साथ पंगा ही नहीं है हमारा, कोई टेंशन नहीं है, पार्टनर को कुछ भी देना है उसका बॉक्स रखा है उसमें डाल दो, यानी कैपिटल में, और पार्टनर से कुछ भी लेना है बस उसके कैपिटल में से निकाल लो। तो चारू को, चारू की कैपिटल में से अमाउंट विड्रॉ करना है, तो कैपिटल को डेबिट करूं या क्रेडिट? कैपिटल कम करनी है, और कैपिटल कम करने के लिए क्या करते हैं? डेबिट। तो चारूज कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, और नरेशन हो गया बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू चार्ज्ड, अमाउंट ऑफ लोन सेम 250, तो इंटरेस्ट अमाउंट विल बी सेम कितना? 3000, 1 lakh रुपी का लोन था, 1 lakh रुपी पे 6% 6 month 3000, बस ये दो एंट्रीज बनाना है। अभी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम हो जाएगा, समझिएगा। कैपिटल से चारू का इंटरेस्ट हमने कैपिटल से निकाला, लेकिन हम किसी को इंटरेस्ट दे ही नहीं रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? में हम सिर्फ वो अमाउंट ऐड करेंगे जो प्रॉफिट में से हम उन्हें पे कर, एप्रोप्रिएट ये इंटरेस्ट का एंट्री कैपिटल में दिया, ये उन्होंने बोला है, हमने इंटरेस्ट दिया ही नहीं है,
इंटरेस्ट दिया नहीं है, अब इंटरेस्ट इसके लिए नहीं बोला कि इंटरेस्ट लिया नहीं है, यहां हमने इंटरेस्ट ले लिया है। यस, चारू से इंटरेस्ट हमने ले लिया है, उन दोनों को इंटरेस्ट अभी दिया नहीं है, वो ड्यू है और ये एग्जीक्यूटेड है। अब पार्टनर से आप पेमेंट कैश में नहीं लेते हो, नहीं लेते हो, ले तो कुछ भी सकते हैं हम, लेकिन पार्टनर से पेमेंट हम कैश में, अभी हमने कैश में पेमेंट नहीं लिया तो हम पेमेंट कहां से निकाले, हमने कैपिटल से निकाल लिया, लेते वक्त प्रॉब्लम ले लिया, कैपिटल में से निकाल लिया, लेकिन देना भूल गए तो वो ड्यू हुआ है। यदि आप दे देते तो वहां पे मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल में डाल देता, बिल्कुल डाल देता। डिफरेंस समझ रहे हैं ना दोनों एंट्रीज का, वहां पढ़ो आप इस क्वेश्चन में लिखा क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर वॉज पेड ऑन 10th of April, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर रिकवर्ड ऑन नथिंग इज गिवन, दैट मीन्स टाइमली हो गया, तो ये चार्ज हो चुका है, ये ड्यू नहीं हुआ है। डिफरेंस समझ में आ रहा है, छोटा सा कॉन्सेप्ट से ना एंट्री रॉन्ग हो जाएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स में, तो अब उसमें हाफ एंट्री रॉन्ग। अभी ऊपर ये होता इंटरेस्ट नथिंग इज गिवन इन क्वेश्चन, कुछ भी नहीं बोला, साइलेंट हो जाता यहीं पे कि इतना इतना इंटरेस्ट है, फिनिश। तो 31st मार्च को हम इंटरेस्ट पेमेंट की एंट्री क्या करते, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, हम उनकी कैपिटल में दे देते हैं इंटरेस्ट, कैश में नहीं देते हम, लेकिन वो ड्यू है इसलिए कैपिटल हम भूल ही गए, तो हम ईयर एंड पे रेक्टिफिकेशन क्लोजिंग एंट्री बोलता है ना, वो क्लोजिंग एंट्री बनाया। अभी 10th of April को इन्होंने पे किया, देन एंट्री विल बी व्हाट, एंट्री विल बी पास्ड ऑन 10th of April, 10th of April को एंट्री क्या होगा जब एक्चुअली फर्म ने इंटरेस्ट उन्हें पे किया है, गलत गलत गलत, परफेक्ट, वेरी गुड। अभी 31st मार्च को ये एंट्रीज हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी एक एंट्री और बनेगी, दो एंट्री और बनेगी, क्या, जितना भी रेवेन्यू अकाउंट्स होता है, जितना भी एक्सपेंसेस रिलेटेड अकाउंट्स होता है, वो ईयर एंड पे आपको क्लोज करना है, ये अपने आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन विल नॉट इन्फॉर्म यू, लेकिन ये आपका हैबिट बना लीजिए कि हम ईयर एंड पे जब भी एंट्री कर रहे हैं तो कोई भी एक्सपेंसेस या इनकम का अकाउंट का एंट्री हमने बनाया है, हम उसका क्लोजिंग एंट्री भी बनाएंगे अपने आप, इधर दे आर आस्किंग और नॉट। तो अब इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा एक्सपेंसेस था, कहां डेबिट होगा, पीएनएल में डेबिट कर दो, पीएनएल में, नेक्स्ट एंट्री विल बी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, और ऐसे ही जो इनकम हमारा एंट्री है वो वाला भी कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, क्या बनेगा नरेशन, इनमें तो क्लोजिंग एंट्री पास्ट, ट्रांसफर एंट्री पास्ट और क्लोजिंग, बीइंग ट्रांसफर एंट्री पास्ट और बीइंग क्लोजिंग एंट्री पास्ट, हाँ बस चलेगा। सो ऑल गुड, क्लियर सभी को, कोई डाउट है, देखिए कॉन्सेप्ट से ही करेंगे, जनरल एंट्रीज पे क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत सारे रहते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 12। नाउ नेक्स्ट कौन सा बोला आपने, 16, क्वेश्चन नंबर 16, या क्वेश्चन नंबर 16, अतुल एंड मिथुन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, बैलेंस एज ऑन 1st April 2020 वर एज फॉलोस, देयर कैपिटल अमाउंट इज गिवन एंड उसके आगे लिखा फिक्स्ड, फिक्स्ड मतलब करंट अकाउंट विल बी सेपरेट, तो करंट ईयर ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट में होगा और कैपिटल रिलेटेड ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट में होगा। देन लोन अकाउंट अतुल एंड मिथुन, अभी लोन अकाउंट में देखिए अतुल के आगे क्रेडिट लिखा है, मिथुन के आगे डेबिट लिखा है, क्रेडिट मतलब इट्स आर लाइबिलिटी, डेबिट मतलब इट इज आर असेट, चले बचपन में, सारा लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, सारा असेट्स का बैलेंस
डेबिट होता है, तो डेबिट एंड क्रेडिट से हम लाइबिलिटी एंड असेट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्रेडिट का मतलब इट इज आर लाइबिलिटी, और ये लाइबिलिटी है इसका मतलब फर्म ने अतुल से लोन लिया हुआ है, तो इट इज लोन फ्रॉम अतुल। मिथुन का लोन अकाउंट के आगे डेबिट लिखा है, इसका मतलब इट इज असेट ऑफ द फर्म, दैट मींस फर्म गिवन लोन टू मिथुन, तो इट इज लोन टू मिथुन। फाइन, आगे चलते हैं। It was agreed to allow and charge interest at the rate of 8% per annum. Partnership deed provided to allow interest on capital 10% per annum. Interest on drawing was charged 5,000 each. Profit before giving effect to above was 2,28,000 for the year ended 31st March 2021. Prepare P&L appropriation account. So basic solution to hamara P&L appropriation ka hai. ये हमने बना लिया हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। फिर हमें चाहिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के लिए नेट प्रॉफिट, एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। अब उन एडजस्टमेंट्स के लिए आपको एक पी एंडल बनाना रहेगा, तो वर्किंग नोट में हम बनाएंगे एक पी एंडल। पी एंडल में पहले हम नेट प्रॉफिट लेके आए, दैट इज अवेलेबल 2,28,000। अभी पी एंडल में और क्या आने वाला है, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर। जो लोन हमने दिया उस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा, जो लोन हमने लिया उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना होगा। तो एक होगा बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, और एक आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना लोन हमने दिया है, 3,00,000। 2,00,000 दिया हुआ है, 3,00,000 लिया हुआ है। हाँ, तो लाइबिलिटी पे हमें इंटरेस्ट पे करना है, 3,00,000 पे हम इंटरेस्ट पे करेंगे एट द रेट ऑफ 8%, दैट इज 24,000, एंड 2,00,000 रुपीज पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा 8%, 16,000। बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, एक ओके 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 यार, ठीक है ना यार, अब तुम यार भावनाएं समझ लो ना। हाँ हाँ, दैट इज पार्ट ऑफ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। हाँ, चार्ज करेंगे ना हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हाँ, दैट इज नॉट चार्ज्ड वाला चार्ज्ड। चार्ज का मतलब चार्ज किया हमने, उनसे लिया, दैट इज चार्ज। चार्ज टू प्रॉफिट नहीं लिखा, वो पूरा टर्म है चार्ज टू प्रॉफिट। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम चार्ज करेंगे, बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन, तो एप्रोप्रिएशन में हम चार्ज करेंगे। कोई नहीं होता है। अच्छा, वो कटवा दिया आपका? नहीं, आप किसी की मानने का नहीं, अपना ही सुनने का है हमेशा, जो आपको सही लगे वो करने का, मुझसे पूछ लो आप। चलिए आगे चले, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है किसी को? पक्का? चलिए पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में आ जाइए। नेट प्रॉफिट 2,20,000, बाय नेट प्रॉफिट भी लिख दो, बाय पी एंड एल लिख दो, चलेगा, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अभी हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करने वाले हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हाउ मच? 5,000 each। अतुल 5,000, मिथुन 5,000, टोटल 10,000। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
अतुल को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का है? 5 लेख पे 10%, 50,000। मिथुन 6 लेख पे 10%, 60,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लेख 10,000। और कुछ नहीं तो टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। अतुल एंड मिथुन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट? टोटल 2,30,000, तो बैलेंसिंग अमाउंट है हमारे पास 1 लाख। 20,000 विल बी शेयर्ड बाय पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2, तो अतुल विल गेट 3/5। टू बाय फाइव 72,000 एंड 48,000। परफेक्ट। स्टेटमेंट फॉर्म में बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज इट इज वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट वर्किंग स्पेसिफाई एक्सप्लेन करने के लिए होता है। यदि इन्होंने मेन पार्ट में डाल दिया होता तो हम अकाउंट के थ्रू ही करते थे, लेकिन मेन पार्ट नहीं है, सिर्फ वर्किंग है, इसलिए आप वर्किंग नोट में स्टेटमेंट बनाइए या अकाउंट बनाइए, इट्स टोटली योर चॉइस, वहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, बस वर्किंग नोट होना चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। एनीथिंग एल्स? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में कंफर्टेबल? ओके नेक्स्ट। देखो देखो अभी आराम से, अभी देख रहे उधर इधर, अभी आईज है आप लोगों का, बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो, देन आगे चलेंगे, कोई जल्दी नहीं अपने को। अरे बस डन, पक्का? क्वेश्चन नंबर 20। बोलो, मैं बोलो, पक्का ना? क्वेश्चन नंबर 20। कमल एंड कपिल आर पार्टनर हैविंग फिक्स्ड कैपिटल ऑफ 5 लाख ईच, एंड एज इट इज फिक्स्ड कैपिटल तो हम फिक्स्ड मेथड ऑफ कैपिटल यूज कर रहे हैं, तो यहां पे कैपिटल अकाउंट भी होगा और करंट अकाउंट भी होगा। ठीक है, रूटीन ईयरली ट्रांजेक्शन हम करंट अकाउंट के साथ डील करेंगे और कैपिटल ट्रांजेक्शन हम कैपिटल अकाउंट के साथ डील करेंगे। देयर कैपिटल इज ऑफ 5 लाख रुपीज ईच। कमल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपी ऑन 1st ऑफ अक्टूबर 2020,
वेयर एज कपिल विड्रॉ 1 लाख रुपी ऑन 1 अक्टूबर 2020 आउट ऑफ कैपिटल, इट इज विड्रॉल ऑफ कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ 6 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, पास जनरल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रिपेयर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. जनरल एंट्री बनाना है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है. हम जनरल एंट्री के लिए फॉर्मेट ड्रॉ कर देते हैं पहले. ये हमारा जनरल एंट्री बनने वाला है, देन हमें पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाने का है. तो सेकेंडली हमने बना दिया पीएनएल अप्रोप्रिएशन. और अब पहले हम आएंगे वर्किंग नोट पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आपको सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल. अभी आपको जो कैपिटल का बैलेंस दिया है, इट इज ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस. इट इज क्लोजिंग बैलेंस, इट इज क्लोजिंग बैलेंस. परफेक्ट. वापिस देखो, देख लो एक बार वापस आराम से. ओपनिंग बैलेंस अभी पक्का लॉक करूं या अभी स्विच कर सकते हैं हम? अच्छा ओपनिंग हो गया ना. डेट आराम से चेक करो, ईयर एंड इज 31 मार्च 2021 एंड बैलेंस ऑफ कैपिटल इज ऑफ 31 मार्च 2020. ये प्रीवियस ईयर क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, तो हमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल प्रोवाइडेड है कैलकुलेट नहीं करने का. ठीक है, तो सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन पे आते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्स्ट ऑफ ऑल कमल, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल ऑफ कमल इज 5 लाख, जिसपे हमें उन्हें पूरे 1 ईयर का इंटरेस्ट प्रोवाइड करना रहेगा. यही करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सारे केसेस याद हैं. फिर हम देखते हैं एडिशनल कैपिटल इफ प्रोवाइडेड. यस, कमल ने एडिशनल कैपिटल दिया था. हाउ मच? कमल इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपी ऑन विच 10% इंटरेस्ट इज टू बी प्रोवाइडेड फ्रॉम डेट ऑफ एडिशनल कैपिटल टिल ईयर एंड. डेट ऑफ एडिशनल कैपिटल इज 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर टू ईयर एंड 31 मार्च कितना मंथ हो गया, 6 मंथ हो गया, 5,000 रुपीज. थर्ड फैक्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या रहता है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल इफ देयर. तो कमल का विड्रॉल ऑफ कैपिटल है क्या? नो, कमल का विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं है. तो दैट्स ऑल, 55,000 इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड टू कमल. ऑल सेट? कोई डाउट? नो. कमल के बाद आते हैं कपिल पे. कपिल क्या चाहते हैं? सर ओपनिंग कैपिटल पे तो इंटरेस्ट देना बनता है. ओपनिंग कैपिटल कितना इसका भी? 5 लाख. 5 लाख पे 10% ही इज एलिजिबल फॉर 50,000. देन कपिल ने विड्रॉल ऑफ कैपिटल किया है, विड्रॉ रुपीज 1 लाख ऑन अकाउंट ऑफ या आउट ऑफ कैपिटल. आउट ऑफ कैपिटल तो क्लियरली ये विड्रॉल ऑफ कैपिटल है, और विड्रॉल ऑफ कैपिटल का हम इंटरेस्ट क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. विड्रॉल ऑफ कैपिटल, अमाउंट ऑफ विड्रॉल इज ऑफ 1 लाख रुपी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम 6 मंथ, 45,000.
क्लियर, चले पक्का जर्नल एंट्रीज पे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का जर्नल एंट्री, देखो जर्नल एंट्रीज एक तरीके से याद रखना है, डायरेक्ट एंट्री बनाना है, डबल एंट्री नहीं चलेगा हमारा, मतलब वो दो एंट्री बना के क्रॉस करके नहीं, हमने सिंगल एंट्री बनाएंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन के थ्रू बनाना है। वट एवर यू आर प्रोवाइडिंग टू द पार्टनर और गिविंग टू द पार्टनर, तो आप पार्टनर कैपिटल क्रेडिट करके पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट करेंगे। जब भी आप पार्टनर को कुछ पे कर रहे हैं आप कैपिटल क्रेडिट करेंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट करेंगे। जब भी आप पार्टनर से कुछ चार्ज कर रहे हैं आप कैपिटल डेबिट करेंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट करेंगे। बस इतना सा याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या शेयर ऑफ प्रॉफिट या सैलरी और कमीशन कुछ भी है, इफ यू आर गिविंग टू द पार्टनर, प्रोवाइडिंग टू द पार्टनर, देन पार्टनर कैपिटल क्रेडिट, इफ यू आर चार्जिंग फ्रॉम द पार्टनर, पार्टनर कैपिटल डेबिट, और काउंटर साइड पे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। बस तो अभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देंगे, पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट होगा कहां से? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। टू कमल्स, नो टू कमल्स, देखो यार मैं बोल रहा था कैपिटल, लेकिन याद रखना पड़ेगा ये फिक्स मेथड ऑफ कैपिटल है, यहां पे रूटीन ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट से डील होते हैं। टू कमल्स करंट अकाउंट, इतना बारीकी से ध्यान रखना है, आराम से पूरा आंख का नाक दिमाग खुला रखना है। टू कपिल्स करंट अकाउंट, बींग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, ₹55,000, ₹45,000, टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट गिवन इन क्वेश्चन इज 6 लाख, एंड आउट ऑफ दैट 6 लाख रुपी हमने पार्टनर्स को 1 लाख रुपी का इंटरेस्ट पे कर दिया, यानी रिमेनिंग प्रॉफिट है हमारे पास, और क्या करने वाले हैं हम उस रिमेनिंग प्रॉफिट का? दे दिया शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो पार्टनर्स को हम प्रॉफिट प्रोवाइड करने वाले हैं, तो सेम एंट्री रिपीट हो जाएगा हमारा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, टू कमल्स करंट अकाउंट, टू कपिल्स करंट अकाउंट, बींग शेयर ऑफ प्रॉफिट प्रोवाइडेड, अमाउंट का कैलकुलेशन हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में कर लेते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना तो हम वर्बली कर ही सकते हैं। 6 लाख रुपीज का टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वॉज देयर, 1 लाख रुपीज चला गया इंटरेस्ट में, बचा प्रॉफिट कितना आपके पास? 5 लाख। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कैसे, कहां लिखा है? लिखा नहीं है इसलिए इक्वल होगा, बोलो ना कहीं लिखा नहीं है, लिखा नहीं है इसलिए इक्वल होगा, तो इक्वल है कितना? 5 लाख है, 2,50,000, 2,50,000। ओशिन कभी कभी बोलती है लेकिन सही बोलती है, 250, 250। पीएनएल अप्रोप्रिएशन तो बना ही देंगे ना, हाँ बनाओ ना कोई, हाँ कोई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिसमें कन्वीनियंसी फील करते हैं। लेकिन क्या होता है कई बार एग्जाम में जब क्वेश्चन आती है आपके पास और सिर्फ एंट्रीज मांगते हैं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाने को नहीं बोलते,
तो फिर वो एक हैबिट हमारा जो होता है ना कि हम अप्रोप्रिएशन बना के वहां से एंट्री ड्रॉ करें, तो वो एग्जाम में वहां हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि अभी क्या करें। तो एक प्रैक्टिस अभी हमारे पास क्या है, नेट प्रैक्टिस है। नेट प्रैक्टिस में तो हर तरह की बॉल ट्राई करनी चाहिए ना, बस क्या जा रहा है, आउट हो गया तो कोई बात नहीं, वापस क्रिच पे आ जाएंगे, नेट प्रैक्टिस में कोई इश्यू ही नहीं होता है हमारे लिए। तो अभी हम हर तरह से ट्राई करेंगे, एग्जाम में जो क्वेश्चन बोलेगा वो करना पड़ेगा। टू नेट प्रॉफिट 6 लाख, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमल कपिल, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट कमल कपिल, यस ऑल ओके। हाँ अभी मैंने एक चीज बोला आपको, जर्नल एंट्री में सबसे इजीएस्ट वे क्या फॉलो करना है, इफ यू आर गिविंग एनीथिंग टू द पार्टनर, इफ यू आर प्रोवाइडिंग एनीथिंग टू द पार्टनर, पार्टनर कैपिटल क्रेडिट और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन डेबिट, दैट्स ऑल। और पार्टनर से कुछ भी चार्ज करने का है, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट, इफ इट इज पार्ट ऑफ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। तो कहना क्या चाह रहा है, देखिए कैपिटल बोलने को रहता है, फिक्स मेथड है तो करंट होगा, फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल होगा। तो जनरली जब एंट्री एक्सप्लेन किया जाता है तो कैपिटल ऑब्लिक करंट बोला जाता है। मैं कैपिटल बोल रहा हूं उसका मतलब यही है, फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल अकाउंट यूज करेंगे, लेकिन फिक्स मेथड में हमें पता है कि वो पार्ट किसका है, करंट अकाउंट का, तो वी विल यूज करंट अकाउंट। ठीक है, और कोई डाउट कंफ्यूजन? पक्का स्केल्स हैं आप लोगों के पास? नहीं, बस मैं कंफर्म कर रहा, वो यूज नहीं कर रहे थे ना, मुझे ऐसा लगा। कोई रफ वर्क नहीं होता भैया अपनी लाइफ में। अरे वाह, चलो ओके देन फाइन। लेकिन बेटर यही है कि देखिए एक्चुअली होता क्या है, मैं अभी से आपको बार 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 पॉइंट आउट करूंगा ना, तो हम एक हैबिट पे आ जाएंगे। और अदरवाइज प्रॉब्लम क्या होता है, अभी हम सो कॉल्ड रफ वर्क जैसे बोल चलते हैं ना, ये जो भी काम हम यहाँ कर रहे हैं, फॉर्मेट ड्रॉ करना, लाइंस ड्रॉ करना, इट कंज्यूम्स टाइम, समाओ कुछ तो टाइम कंज्यूम करेंगे। एग्जाम्स में ये 10 to 15 मिनट मिनिमम साइड पे कंज्यूम करता है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि अभी से वो हैबिट डाल के चले फेयर वर्क करने की, मतलब क्लीन लिखने का। ऊपर हेडिंग है तो हेडिंग, जैसे मैं भूल गया मैंने नहीं लिखा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, जो हेडिंग डालने का है हेडिंग डालना है, फॉर्मेट बनाने का फॉर्मेट बना के चले। ये प्रैक्टिस रखेंगे तो बहुत कंफर्टेबल रहेंगे, वहां हमें एक्स्ट्रा उस वक्त एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा कि कुछ रह गया। चलिए आज का काम काफी है, कुछ पूछने का है तो बोले, और आप लोगों को अब कहां तक पहुंचने का है।
कहां तक पहुंचने का है? आप कुछ बोला मुझे, 17 क्वेश्चन करवाना है मुझे आपको? सॉरी निहारिका, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट एक्चुअली. ओके देन, आज का क्लास हुआ. आप लोग क्वेश्चंस आगे के ट्राई करेंगे और कल फिर प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे. जितना हो सकता है उतना ट्राई कीजिए. 25 तक आप इजीली जा सकते हो. इफ पॉसिबल आप 25 तक चले जाइए. नहीं जा पाएंगे, प्रॉब्लम निकालेंगे. वी विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चन. जितना भी प्रॉब्लम लेके आएंगे सारा सॉल्व करेंगे, लेकिन एक बार ट्राई करके देखिएगा. टिल देन, बाय, सी यू.